उधर सीसीटीवी कैमरे में हमने देखा, उन्होंने उधर से पानी लिया, पानी पिया तो घूट मेरे बेटे ने स्कूटी स्टार्ट की और दुकान का जो लड़का है वो आगे बैठा हुआ है, मेरे बेटे को सेंटर में बिठाया और जो गोलू लड़का है वो सर पीछे बैठा हुआ है और उसके अलावा कोई नहीं था सर, दो बंदे ही थे मेरे बेटे के साथ। और हमारे मोहल्ले वाले ने बताया कि 12 बजे गोलू पापा जा रहा था, कुछ घबराया हुआ, उन्होंने उसको पूछा कि क्या हुआ, बोलता कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद सर वो अपने घर चला गया, इसके पापा ने उसको फोन किया, उसने अपना फोन उस दिन से स्विच ऑफ किया हुआ है। सर मेरे बेटे का इंसाफ दिलाइए, मुझे जल्दी से जल्दी मेरे अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ जैसे उन्होंने मेरे बच्चे को तड़पा तड़पा के मारा है वैसे उसी को भी मारो, दोनों को मारो। मर्डर वाली लोकेशन के जान निकली जा। अपने भाई को खुद अपने हाथों से उठाया, उन्होंने अखबार में आया था कि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की टीम आई थी उठाने के लिए, वहाँ दो बंदे नहीं खड़े थे, नोटिफिकेशन मांग रहे थे, हम खुद उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। एसएसपी जम्मू यहाँ पे आए या एडीसी डीसी जम्मू यहाँ पे आए तो यहाँ के हमारी बात सुने, कार्रवाई तो आपने जो करनी है वो आपका मन है, लेकिन कम से कम हमारी बात तो सुने। के लिए प्लीज, कल 26 तारीख थी, पूरे जम्मू में चला था नशा छोड़ा अभियान, ये कहते हैं आम लोगों को आप पकड़वाओ, ये जब पकड़वाएं फिर उसी स्मगलर को बता देते हैं कि फलाने ने पकड़वाया है, हमें इतने पैसे दे, ये लोगों ने ये पैसे भी खा लेंगे। मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा, बीच में पुलिस बहुत ईमानदार है, हमारी दुनिया की रक्षा, हमारी जम्मू कश्मीर रक्षा करी, लेकिन जो काली बेड़े बीच में छुपी हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाया है सिर्फ लोगों के बच्चों को जहर दे दे के, अगर एसएसपी साहब ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रही तो रहने दीजिए, अब जनता अपना आप काम अपने आप संभालेगी।